वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी, जहां पर आपको ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक की सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टैंडम एक्सेलरेटर। स्टूडेंट्स, हमें न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर बहुत बार ऐसे चार्ज पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो। चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? अल्फा पार्टिकल भी हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल भी हो सकते हैं, गामा रेडिएशन, प्रोटॉन्स, ये सब चार्ज पार्टिकल्स के अंदर आते हैं। हमें हाई काइनेटिक एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें कई बार आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करना पड़ता है रिसर्च वर्क के लिए। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ये स्टेबल होने के लिए अपने आप स्पॉन्टेनियसली कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस, ताकि वो स्टेबल हो सकें। तो इन रेडिएशन, जब ये अल्फा बीटा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से एमिट होते हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर हमें इन रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की, अनाइजिंग रेडिएशंस की, चार्ज पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है, तो हमें कुछ ऐसे डिवाइसेस चाहिए होते हैं जो इनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा सकें। इन डिवाइसेस को न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर कहा जाता है एक्सेलरेटर। उन्हीं में से एक एक्सेलरेटर है टैंडम एक्सेलरेटर, जो कि चार्ज पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के काम आता है। तो अब बात करेंगे हम एम ऑफ टैंडम एक्सेलरेटर की, टैंडम एक्सेलरेटर है क्या और ये क्या काम करता है। स्टूडेंट्स, टैंडम एक्सेलरेटर जो है एक वेंडीग्राफ एक्सेलरेटर की मॉडिफाइड फॉर्म है। वेंडीग्राफ एक्सेलरेटर जो था वो सिंगल स्टेज एक्सेलरेटर था, वहाँ एक ही बार में हम जो है चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते थे, उसको एक्सेलरेट कर देते थे। बट टैंडम एक्सेलरेटर की खास बात ये है कि इसमें हम टू स्टेजेस में हम चार्ज पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं। जितनी ऑपरेटिंग वोल्टेज पे हम वेंडीग्राफ एक्सेलरेटर यूज करके चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं, उसी सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज को यूज करके हम टैंडम एक्सेलरेटर के द्वारा उन चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं एज कंपेयर टू वेंडीग्राफ जनरेटर। ये एडवांटेज है टैंडम एक्सेलरेटर का ओवर वेंडीग्राफ जनरेटर की, हम सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज यूज करके टू स्टेजेस में हम चार्ज पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी तक हम एक्सेलरेट करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एम क्या है इसका? एम ये है कि ये इट इज यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, स्पेशली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स। मीन्स ये प्रोटॉन्स को काफी हाई, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी तक एक्सेलरेट कर सकता है, उसे बहुत ज्यादा एनर्जी दे सकता है। अब हम बात करेंगे टैंडम एक्सेलरेटर के प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल जो है टैंडम एक्सेलरेटर का थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा बड़ा है, आपको ध्यान से समझ के करना पड़ेगा। सिंगल स्टेज एक्सेलरेटर जैसे वेंडीग्राफ एक्सेलरेटर में जो एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव आयंस का, वो एक ही स्टेज में कंप्लीट हो जाता है। वेंडीग्राफ एक्सेलरेटर में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं हाई पोटेंशियल पर, फिर उनको हम एक्सेलरेट कर देते हैं ग्राउंड पोटेंशियल की तरफ। आपको एक बात दिमाग में ध्यान रखनी पड़ेगी, हाई पोटेंशियल का मतलब होता है पॉजिटिव पोटेंशियल, ग्राउंड पोटेंशियल का मतलब ये है कि नेगेटिव पोटेंशियल। तो जब भी मैं ग्राउंड पोटेंशियल की बात करूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए नेगेटिव पोटेंशियल की बात हो रही है, और जब मैं बात करूं हाई पोटेंशियल की तब आपको दिमाग में आना चाहिए कि पॉजिटिव पोटेंशियल की बात हो रही है। हमने पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस किए हाई पोटेंशियल पर, मीन्स पॉजिटिव पोजिशन में होगा रिपल्शन, तो जैसे ही आयंस प्रोड्यूस होंगे वो हाई पोटेंशियल रीजन से दूर भागेंगे और ग्राउंड पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमने सामने अप्लाई कर रखा होगा ग्राउंड पोटेंशियल, मीन्स नेगेटिव पोटेंशियल। तो इस तरह जो है पॉजिटिव आयंस हाई पोटेंशियल में प्रोड्यूस होकर ग्राउंड पोटेंशियल की तरफ एक्सेलरेट हो जाएंगे वेंडीग्राफ जनरेटर में, और सिंगल स्टेज में ही उनका एक्सेलरेशन कंप्लीट हो जाएगा। टैंडम एक्सेलरेटर में क्या होगा? टैंडम एक्सेलरेटर में सबसे पहले हम प्रोड्यूस करेंगे पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयन के सोर्स लेके पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे, उनको हम पॉजिटिव आयन से कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव आयन्स में बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू देम। उनमें इलेक्ट्रॉन्स, सपोज हमने प्रोटॉन एक्सेलरेट करवाना है, तो उसको अगर हमें नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करना है प्रोटॉन को, तो हमें दो इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड करने पड़ेंगे। तब ये जो नेगेटिव आयन्स, जो पॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस किए थे इनिशियली हमने, वो नेगेटिव आयन्स में कन्वर्ट हो गए, उनको अब हमने ग्राउंड पोटेंशियल पर, ये सारा काम जो होगा ग्राउंड पोटेंशियल में होगा, मतलब नेगेटिव
पोटेंशियल पर होगा, तो जो नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हुए हैं इस ग्राउंड पोटेंशियल से दूर भागेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा। सामने हमने उनको दिया होगा हाई पोटेंशियल मीन्स पॉजिटिव पोटेंशियल, जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ एक्सेलरेट होंगे। तो यहाँ तक आपकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई, पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हुए, उनको हमने पहले नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट किया इलेक्ट्रॉन ऐड करके, फिर उनको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ एक्सेलरेट किया। उसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, जब पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ एक्सेलरेट हो जाएंगे, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, तो क्या होगा, तो हमने जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड किए थे, नेगेटिव आयंस बनाया था पॉजिटिव आयंस को, उनमें से इलेक्ट्रॉन दोबारा रिमूव कर लेंगे, दोबारा स्ट्रिप ऑफ कर लेंगे, अगेन वो जो नेगेटिव आयन बीम है वो दोबारा पॉजिटिव आयन बीम में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद हमने क्या करना है, हाई पोटेंशियल में पॉजिटिव आयन बीम एकदम बाहर निकलेगी और सामने उसको मिलेगा ग्राउंड पोटेंशियल मींस लोअर पोटेंशियल मींस नेगेटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव आयन बीम जो है वो एक बार और एक्सेलरेट होगी नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ मींस ग्राउंड पोटेंशियल की तरफ। इस तरह सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज पर हम टू स्टेजेस में हम जो है पॉजिटिव आयंस को एक्सेलरेट करवाते हैं। तो ये है टैंडम एक्सेलरेटर का प्रिंसिपल। आइए एक बार देखते हैं कि आपको थ्योरी में क्या लिखना है प्रिंसिपल ऑफ टैंडम एक्सेलरेटर में। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इन सिंगल स्टेज एक्सेलरेटर जैसे कि वेंटीग्राफ एक्सेलरेटर में पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस एट हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव आयंस को हम हाई पोटेंशियल मीन पॉजिटिव पोटेंशियल पर प्रोड्यूस करेंगे, तो हाई पोटेंशियल और इन पॉजिटिव आयंस में रिपल्शन होगा। जैसे ही पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे वो हाई पोटेंशियल से रिपेल होकर आगे की तरफ जाएंगे, एंड दीज आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू ग्राउंड पोटेंशियल। सामने उनको ग्राउंड पोटेंशियल मीन नेगेटिव पोटेंशियल दिखाई देगा, पॉजिटिव आयंस फटाफट ग्राउंड पोटेंशियल की तरफ एक्सेलरेट हो जाएंगे और एक ही स्टेज में आपका चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाएगा। इन केस ऑफ टैंडम एक्सेलरेटर द नेगेटिव आयंस इन फर्स्ट स्टेज आर प्रोड्यूस्ड एट ग्राउंड पोटेंशियल। सबसे पहले हम नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे ग्राउंड पोटेंशियल पर। ग्राउंड पोटेंशियल का मतलब होता है नेगेटिव पोटेंशियल, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा, तो सामने उसको मिलेगा पॉजिटिव हाई पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये नेगेटिव आयंस जो है वो ग्राउंड पोटेंशियल प्रोड्यूस होकर सामने की तरफ जाएंगे, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, तो एक बार उनका एक्सेलरेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई है। सेकेंड स्टेज, इन सेकेंड स्टेज द इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, जो नेगेटिव आयंस जो हैं उनको दोबारा पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें को हमने ऐड किए थे फर्स्ट स्टेज में, वो हम निकाल लेंगे बाहर, और जो दोबारा हमारे पास नेगेटिव आयंस जो हैं वो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। और पॉजिटिव आयंस विच आर देन एक्सेलरेटेड टू ग्राउंड पोटेंशियल, ये पॉजिटिव आयंस के सामने हम ग्राउंड पोटेंशियल लगा देंगे, तो दोबारा एक्सेलरेशन होगा उनका। इस तरह से इन दिस वे काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल कैन बी इंक्रीज विद सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज। इस तरह हम टू स्टेजेस में हम चार्ज पार्टिकल मीन प्रोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा सकते हैं सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज यूज करके, जितनी हमने वेंडीग्राफ जनरेटर में एक्सेलरेटर में हमने यूज की थी। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ टैंडम एक्सेलरेटर। अब देखते हैं हम टैंडम एक्सेलरेटर के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। वर्किंग को समझ के आपको प्रिंसिपल टैंडम एक्सेलरेटर का और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट है किसी भी एक्सेलरेटर का, चाहे वो बीटाट्रॉन हो, चाहे वो साइक्लोट्रॉन हो, चाहे वो लीनियर एक्सेलरेटर हो, सबसे पहले हमें किसी भी एक्सेलरेटर के अंदर लगाना होता है आयन सोर्स। जिन आयन को आपने एक्सेलरेट करवाना है उसका आयन सोर्स आपको चाहिए। तो यहाँ पर आयन सोर्स है एस, ये आयन सोर्स प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिवली चार्ज आयन्स। हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं प्रोटॉन्स, हमने प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करना है। तो ये सोर्स एस प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करेगा और वो प्रोटॉन्स इस सोर्स में निकल कर इस ट्यूब में से निकलना शुरू होंगे। ये पॉजिटिव आयंस हैं मीन्स प्रोटॉन्स हैं, ये पॉजिटिव आयंस हैं मीन्स प्रोटॉन्स हैं। अब फर्स्ट स्टेज शुरू होने जा रही है स्टूडेंट्स। मैंने आपको कहा था कि टैंडम एक्सेलरेटर की वर्किंग टू स्टेजेस पर डिपेंड करती है। फर्स्ट स्टेज आने शुरू हो गई है, पॉजिटिव आयंस यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद हमने ये C1 लगा रखा है। C1 एक है इलेक्ट्रॉन एडिंग कैनल, इलेक्ट्रॉन एडिंग कैनल है ये, इन पॉजिटिव आयंस में दो प्रोटॉन्स ऐड कर देगी ताकि वो प्रोटॉन जो है वो नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो चुके हो जाएं। तो C1 में से जो आयन बीम निकलेगी उसके अंदर नेगेटिव आयंस होंगे। बट सपोज स्टूडेंट्स 100 पॉजिटिव आयंस कैनल C1 में से पास किए, तो जो कैनल C1 में से आयन बीम निकलेगी वो सारे के सारे पॉजिटिव आयंस जो है वो नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे। उनमें कुछ नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ न्यूट्रल हो जाएंगे, कुछ
पॉजिटिव आयंस ही रहेंगे। मान लो 100 पॉजिटिव आयंस स्कैनर C1 में एंटर किए थे तो 100 में से 90 जो है वो नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो 10% होंगे उनमें न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होंगे और पॉजिटिव आयंस भी होंगे। तो हमने नेगेटिव आयंस को पॉजिटिव आयंस और न्यूट्रल पार्टिकल से अलग करना है। उसके लिए हमें नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा वो होगी एनालाइजिंग मैग्नेट M1। वो क्या करेगी, जो स्कैनल C1 में से जो मिक्सिंग आ रही है नेगेटिव आयंस की, पॉजिटिव आयंस की और न्यूट्रल पार्टिकल्स की, हमें चाहिए नेगेटिव आयन बीम, प्योर नेगेटिव आयन बीम चाहिए, उनमें पॉजिटिव आयंस और न्यूट्रल पार्टिकल नहीं चाहिए। तो जब वो कैनल जब वो एनालाइजिंग मैग्नेट M1 में से पास करेगी बीम जिसके अंदर नेगेटिव आयंस भी है, पॉजिटिव आयंस भी है और न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं, तो ये मैग्नेट क्या करेगी, न्यूट्रल पार्टिकल्स और पॉजिटिव आयंस को रोक लेगी, सिर्फ प्योर नेगेटिव आयंस को, जो बिल्कुल ही नेगेटिव आयंस है उनको आगे जाने देगी। और यहाँ पर हमने लगा रखा है एक कॉलम 1, कॉलम 1 को हमने ग्राउंड पोटेंशियल पर रखा हुआ, मीन्स नेगेटिव आयंस पर रखा हुआ, नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा हुआ। जैसे ही नेगेटिव बीम इस कॉलम वन के अंदर एंटर करेगी तो वो क्या होंगे, नेगेटिव आयंस बीम को रिपल्शन एक्सपीरियंस होगा, रिपेल होके वो इस ट्यूब के अंदर आगे बढ़ेगा, इस ट्यूब के अंदर से रिपेल होंगे फटाफट। सामने हमने लगा रखा है एक कॉलम टी जो कि है हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पर, जो नेगेटिव आयंस कॉलम वन से नेगेटिव पोटेंशियल से एक्सेलरेट होकर आगे की तरफ आ रहे थे वो पॉजिटिव पोटेंशियल के द्वारा अट्रैक्ट होंगे और वो फटाफट यहाँ से कॉलम वन को लीव करके कॉलम टी के अंदर एंटर करेंगे जो कि हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पर। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सेलरेशन कंप्लीट हो गया है, कॉलम वन से कॉलम टी तक जो है उनका एक्सेलरेशन कंप्लीट हो गया। कॉलम वन जो था वो नेगेटिव पोटेंशियल पर था, कॉलम टी जो है वो हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। तो एक बार उनका एक्सेलरेशन कंप्लीट हो गया, अब यहां से शुरू होगी आपकी सेकंड स्टेज कॉलम टी से। सेकंड स्टेज में हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन एडिंग कैनल थी C1 उसने जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए थे, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए थे ताकि पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाए। अब हमें उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स को वापस निकालना है, वापस स्ट्रिप ऑफ करना है। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन स्ट्रिपिंग कैनल लगा रखी है जिसको बोलते हैं C2। जैसे ही नेगेटिव आयंस एक्सेलरेट होकर यहाँ पहुंचेंगे तो वो C2 में से पास करेंगे, C2 क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो हमने ऐड किए थे वो उनमें से निकाल लेगा, स्ट्रिप ऑफ कर देगा, जो नेगेटिव आयंस थे वो अगेन पॉजिटिव आयंस में प्योरली प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे और पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि हमारा जो ये कॉलम टी है वो हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, अब इन पॉजिटिव और कॉलम टी में रिपल्शन होगा और ये रिपेल होकर फटाफट इस कॉलम टी को लीव करेंगे और फटाफट पहुंचेंगे कॉलम टू में जिसको हमने ग्राउंड पोटेंशियल पर रखा हुआ है, मीन्स नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा हुआ है। तो ये पॉजिटिव आयंस जैसे ही कॉलम टी को लीव करेंगे वैसे ही उनको एक्सेलरेशन मिलेगा और वो कॉलम टू की तरफ आएंगे, कॉलम टू को हमने नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा हुआ है, पॉजिटिव आयंस इस तरफ एक्सेलरेट होंगे, इस तरफ अट्रैक्ट होंगे और अल्टीमेटली जब वो ट्यूब में से बाहर आएंगे, ये हमने स्टूडेंट कांच की एक इवैक्यूएटेड ट्यूब लगा रखी है जिसके अंदर ये सारा काम चलेगा और इसके अंदर हमने वैक्यूम भरा हुआ है ताकि इसकी फंक्शनिंग स्मूथ चलती रहे। तो इन द एंड जब वो ट्यूब में से बाहर निकलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेटेड पॉजिटिव आयंस मिले थे, सोर्स एस ने पॉजिटिव आयंस ही प्रोड्यूस किए थे और अल्टीमेटली 2 स्टेज के बाद एक्सेलरेशन होने के बाद आपको अल्टीमेटली बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले पॉजिटिव आयंस मिलेंगे। तो ये थी इसकी स्टूडेंट्स वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ टैंडम एक्सेलरेटर की। टैंडम एक्सेलरेटर का जो एडवांटेज है वो वेंडीग्राफ जनरेटर से इसलिए अच्छा है टैंडम एक्सेलरेटर, क्योंकि वेंडीग्राफ जनरेटर में हमें अगर चार्ज पार्टिकल्स को हाई काइनेटिक एनर्जी पर एक्सेलरेट करवाना है तो हमें ज़्यादा ऑपरेटिंग वोल्टेज देनी पड़ती थी, तो वहाँ पर रिस्क रहता था क्योंकि ज़्यादा ऑपरेटिंग वोल्टेज पर काम करना हमेशा रिस्की है। टैंडम एक्सेलरेटर में हम कम ऑपरेटिंग वोल्टेज अप्लाई करके 2 स्टेजेस में हम चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन कर सकते हैं और कम ऑपरेटिंग वोल्टेज पर काम करना इतना रिस्की नहीं होता, तो ये थोड़ा सेफ है एज कम्पेयर टू वेंडीग्राफ एक्सेलरेटर। और डिसएडवांटेज इसका ये है स्टूडेंट्स कि इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स हमें मिलते हैं एक्सेलरेट हो गए, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बाकी एक्सेलरेटर से, जैसे लीनियर एक्सेलरेटर भी है हमारे पास, साइक्लोट्रॉन है, बीटाट्रॉन है, उन एक्सेलरेटर से जो हमें काइनेटिक एनर्जी अचीव होती है चार्ज पार्टिकल्स की, उनसे कम रहती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज था। तो स्टूडेंट्स ये था टैंडम एक्सेलरेटर की एम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एटसेट्रा। थैंक यू सो मच।